good afternoon dear students welcome back to my channel myself harish kangbar and today i'm going to continue part 2 of chapter 2 from class 8 that is homecoming and in previous part i had discussed here don't worry i'll get worse before it gets better उसकी फादर ने क्या कहा था कि बेटा चिंता मत मत करो अभी चीज़ें जैसी हैं उनसे बेहतर होगा और बेहतर होने से पहले थोड़ा बहुत ख़राब ज़रूर होता है तो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड बिफोर कंटिन्यूइंग दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन ओके लेट्स स्टार्ट टू दर्थ पैसेंजर्स फ्रॉम द स्पेस स्टेशन आई सपोज द डिस्कम्फर्ट्स वर मिनिमल ही सीज़ कैपलर क्या बोलता है अर्थ के पैसेंजर्स जो स्पेस इस्टेसन से आते थे अर्थ के लिए तो उनके लिए डिस्कम्फर्ट्स थे डिसकम्फर्ट्स मतलब बेचैनी या परेशानी वो मिनिमल था मिनिमल मीन्स बिल्कुल ना के बराबर ठीक है बहुत कम परेशानी होती थी दियार अपेरेंट वेट इंक्रीज टू डबल एंड मोमेंटरली थ्री टाइम्स दी आर नॉर्मल वेट तो क्या बोलते हैं कि उनका जो अपेरेंट वेट यानी जो क्लियर वेट है वो डबल हो जाता था और कभी कभी नॉर्मल वेट से ट्रिपल हो जाता था बिकॉज मून में ग्रेविटी बहुत कम है एंड दैट्स वाई वेट वहाँ पर बहुत कम फील होता है मून पे बट जब मून से अर्थ के लिए ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा ऐसा लगेगा वज़न बढ़ रहा है धीरे धीरे आई हैड नॉट रियलाइज्ड अनटिल दिस मोमेंट वाट माई बर्थ राइट ऑफ वन सिक्स अर्थ वेट वॉज गोइंग टू मीन तो क्या बोलता है कि ये मुझे अभी रियलाइज़ नहीं हुआ था इस मोमेंट पर कि जो मेरा बर्थ राइट है मतलब जो मेरा वेट था पैदा होने के टाइम पर और वो अर्थ से अर्थ के वेट से वन सिक्स था इट मीन्स वन अपॉन्ट सिक्स यानी बहुत ही कम वॉज़ गोइंग टू मीन तो उसने क्या सोचा कि ये मेरा वज़न अर्थ पे जाकर कैसा हो जाएगा वेन आई ट्राइड टू रिटर्न होम यानी जब मैं घर पहुंचूंगा, यानी मून से अपनी अर्थ पे पहुंचूंगा, इट वॉज़ लाइक अ बैरियर सेपरेटिंग मी फ्रॉम ऑल दीज अदर पीपल और क्या बोलता है कि ये जो मेरा वेट था मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए एक बैरियर का काम कर रहा था दूसरे लोगों से अलग करने का बिकॉज़ उसे अपना वेट बहुत कम फील होता था ऑलरेडी आई वेट सिक्स टाइम्स माई नॉर्मल वेट क्या बोलते हैं कि पहले से ही मुझे अपना वेट सिक्स टाइम्स ज़्यादा लग रहा था क्योंकि अर्थ पे सिक्स टाइम कम लगता है एज द ब्रेकिंग कंटिन्यूड इट इनक्रीज टू ट्वेल्व टाइम्स एंड ही शेज जब ब्रेक लगा उसमें प्लेन में जो उनका स्पेस क्राफ्ट था तो उससे अपना ट्वेल्व टाइम्स ज़्यादा वेट फील हुआ द वेट ऑन माई चेस्ट और क्या बोलता है कि वो पूरा का पूरा वेट मुझे ऐसा लग रहा था चेस्ट भी पड़ रहा था एंड आई कुड नॉट ब्रीद और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी इट मीन जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है सांस में दिक्कत हो जाती है आई फेल्ट एज इफ माई ब्रेन वॉज़ गोइंग टू बर्स्ट एंड कैप्टर क्या बोलता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ब्रेन फट जाएगा दिमाग फट जाएगा इतना प्रेशर पड़ रहा था वेन आई केम बैक टू माई सेंसेज द इनॉर्मस प्रेसर हैड लिफ्टड और जब वो अपने होश में आया सेंसेज मतलब अपने होश में आया तो इनॉर्मस यानी एक जो बड़ा प्रेशर था वो हट चुका था हेड लिफ्टड मतलब गायब हो चुका था आई फेल्ट हैवी एंड टायर्ड और जब लो लैंड हुआ तो उसे क्या लगा कि मतलब भारी लग रहा है और थक गया है आई लिफ्टड माई हैड एंड लुकड ब्लरली अराउंड और उसने अपना हेड ऊपर किया और ब्लरली देखा ब्लरली मिस उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था क्लियर नहीं दिख रहा था विजिबल नहीं दिख रहा था क्यों चक्कर आने की वजह से बेहोश होने की वजह से वी हैड लैंडेड और क्या कहता है कि हम लोग लैंड हो चुके थे यानी लैंड होते होते हो वो बेहोश हो गया था कैफलर्स फादर टोल्ड हिम टू लाई स्टिल बिकॉज ही हैड हैड ब्लीड कैपलर के फादर ने क्या कहा बेटा अभी लेटे रहो बिकॉज तुम्हें नोज ब्लीडिंग हो रही है नाक से खून निकल रहा था उसके ही अ अस्टूअर्ड टू हेल्प हिम एंड कैपलर के फादर ने एक स्टूअर्डस को बुलाया हु इज़ अ स्टूअर्ड जो एरोप्लेन में या स्पेस क्राफ्ट में लेडीज़ होती हैं लोगों की केयर करने के लिए उनको गाइड करने के लिए वो होती हैं स्टूअर्ड तो उसने बुलाया एक स्टूअर्ड को शी एक्सप्ले टू कैपलर दैट द फोर्स ऑफ़ द अर्थ ग्रेविटी हैड मेड हिज नोज़ ब्लीड तो स्टूअर्ड्स ने क्या क्या बताया बेटा अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है और उस ग्रेविटी के फोर्स की वजह से तुम्हारी नोज़ में ब्लीडिंग हो रही है तुम्हारी नोज़ से ब्लड निकल रहा है शी गॉड हिम एंड आइस पैक एंड ऑफर्ड टू गेट हिम अ व्हील चेयर इफ़ ही कुड नॉट वर्क तो उसके लिए एक आइस पैक लेकर आई इस इस आइस पैक में तो बर्फ काट टुकड़ा जिससे वो अपनी नोज़ पर रखेगा और ब्लीडिंग रोकेगी और उससे व्हील चेयर भी ऑफर की उसने बट उसने क्या कहा मैं ठीक हूँ और जा सकता हूँ आई एम गोइंग टू बी फाइन थैंक्स तो उसने क्या कहा कैप्टन ने नहीं नहीं मैं ठीक हूँ आई एम जस्ट टेक्स इट डज इट जस्ट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस दैट्स ऑल क्या बोल दैट थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी मैं ठीक हो जाऊँगा ऑफकोर्स यू वुड लाइक टू टाइडी अप बिफोर यू लीव तो स्टोवस ने क्या कहा चलो ठीक है और शायद तुम जाने से पहले अपने आप को टाइडी अप करने की सोचोगे मतलब थोड़ा फ़्रेश होने की सोचोगे फ्रेश करोगे मतलब वो बोल रही थी कि आप बाथरूम जा सकते हैं आई टुक हर हिंट एंड प्लॉडेड बैक डाउन द आयल टू द वॉशरूम और वो अपनी सीट से उठकर वॉशरूम की ओर चला गया आयल मी जो बीच का रास्ता होता है सीट्स के दैट इज आयल गुड ग्रीफ आई वॉज डिजास्टर एरिया आई आई तो नहीं होना चाहिए इट होना चाहिए क्लियर इट वॉज अ डिजास्टर एरिया उसने सोचा कि बड़ा खतरनाक एरिया है ये आई टुक ऑफ माई जैकेट हाउ क्रूडली कट इट लुकड इन कंपेरिजन विद द अर्थ फैशन तो उसने क्या सोचा मैंने जब अपनी जैकेट निकाली तो मैंने कंपेयर किया अर्थ वाली फ़ैशन से तो बहुत ही अलग था अलग तरह से कट किया हुआ आई सीन ऑन द फेरी एंड वाट रफ मटीरियल यानी जो फ़ेरी होती थी फेरी मीन्स जो लोग अर्थ से बून पे जाते थे तो वो जो कपड़े पहने होते थे उनसे उसकी ड्रेस बिल्कुल अलग थी उसका कोड एकदम डिफरेंट था then I washed the rest of the blood of my face and combed my hair, what there was of it. and then he says then I washed his face uh, उसने कहा अपना मैंने फेस साफ किया जो ब्लड नोज का रह गया था उसको क्लियर किया अपने बालों में कंघी की और what there was of it it looked like a convict cut by earth standards but it would grow क्या बोलता है कि अर्थ के स्टैंडर्ड्स की वजह से तो अगर कंपेयर करें तो उसका जो हेयर कट था वो एक कन्विक्ड कट था यानी वो अलग था छोटा छोटे बाल वाला लेकिन क्या कहता है चलो अर्थ पे आ गए हैं आप बाल बड़े हो जाएंगे आई पुट ऑन माई जैकेट एंड प्लॉडेड डाउन टू द एग्जिट हैच तो उसने अपना जैकेट पहना और एग्जिट गेट की तरफ चला आया यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हेजिटेटेड माई हैंड ऑन द रैम्प रेल तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था कि फ़र्स्ट टाइम अर्थ पे जा रहे हैं तो कैसा लगेगा लोग कितना देख रहे हैं और रेल पर उसका हाथ रखा हुआ था मतलब साइड में जो रेलिंग होती है रैंप मीज जो रास्ता होता है ये चलने का दिस इज़ रैंप ओके दिस इज रैंप लुकिंग एट द क्राउड ऑफ एग्जॉक्टिकली ड्रेस्ड रिपोर्टर्स कैमरा मैन एंड कैजुअल बाई स्टैंडर्स मिलिंग अराउंड माई फादर और क्या बोलता है कि तब मैंने देखी इतनी सारी भीड़ थी एग्जोटिकली ड्रेस्ड रिपोर्टर्स यानी बहुत अच्छे से जो फ़ैशन की तरह कपड़े पहने हुए थे रिपोर्टर्स से कैमरा मैन और बाई स्टैंडर्स मिले मतलब जो बराबर में खड़े होने वाले लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है कुछ अजीब गरीब चीज़ होती है देखने के लिए तो वो सब लोग उसके फादर के पास खड़े हुए थे इट रियली वॉज अ न्यू वर्ल्ड डाउन देर एट दी एंड ऑफ रैम्प और क्या बोलता है कि मैंने सोचा मैं इस रैंप से उतर कर नीचे जाऊंगा तो वास्तव में मेरे लिए एक न्यू वर्ल्ड होगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा एंड दस द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी कैपलर रीच द अर्थ वो मून से अपने अर्थ पे आ जाता है स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये चैनल आपके लिए कैसी वीडियोज़ देता है थैंक्स फॉर वॉचिंग